नमस्कार पशुपालक भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रियंका दिनू डेयरी फार्म में। तो दोस्तों, आज हम आए गुजरात के अंदर अमरेली जिले में। तो यहाँ पे आप देख रहे हो सभी भैंस सेल होके जा रही है। कहाँ पे जा रही है और ये यहाँ की लोकेशन कौन सी है, पूरा एड्रेस जानेंगे भैया से, किस रेट में यहाँ से भैंस सेल होके जाती है। कोई भी नॉर्मल किसान भाई होता है तो उनको कितना क्या प्रॉफिट मिलता है यहाँ से भैंस खरीदता है तो जानते हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार। आपका नाम बता दीजिए। कुलदीप भाई वाला। और आपका एड्रेस बता दीजिए। गाँव है टिम्बा, तहसील है अमरेली, जिला भी है अमरेली। अच्छा, तो अभी आपके पास में टोटल कितनी भैंस है? 12 भैंसा है। अच्छा, 12 भैंस है, सारी जाफराबादी नस्ल की? सारी जाफराबादी नस्ल की है, गिर। अच्छा, सारी गिर है ना। तो सेल होके कहाँ जा रही है ये? अभी जा रही है एमपी में जा रही है। अच्छा, एमपी में। एमपी का एड्रेस आप भैया से पूछ सकते हो कहाँ पे जा रही है। एक बार आप बता दीजिए, जैसे कि आपके यहाँ पे कोई भी कस्टमर आता है भैंस खरीद के लेके जाता है तो उसमें रेट कैसे क्या रहती है, शुरुआत से लेके लास्ट रेट? 80,000 से लेके 1.5 लाख तक की। अच्छा, 80,000 से 1.5 लाख तक यहाँ पे भैंस मिलेगी। उसमें मिल्किंग कैपेसिटी कितनी रहेगी? 12 लीटर से लेकर 21 लीटर, 22 लीटर तक की। अच्छा, 12 लीटर से 21 लीटर लास्ट है, तो इसमें आपको यहाँ पे भैंस मिल जाएगी। रेट भी नॉर्मल है, दूध की कैपेसिटी भी अच्छी देने वाली है सारी भैंसे। और आप देख सकते हो आगे की फेस की बनावट, जाफराबादी के अंदर सारी भैंसे बहुत ही अच्छी है। और एक बार एड्रेस जानते हैं, ये सभी भैंसे गुजरात से अमरेली टिम्बा गांव से सेल होके कहाँ जा रही है, तो वो भी कस्टमर आए तो उनसे इंटरव्यू लेते हैं। तो दोस्तों, ये भैया खरीद के लेके जा रहे हैं यहाँ से, तो एड्रेस जानते हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम है लोकेश जाट। अच्छा। हाँ। मैं एमपी का रहने वाला हूँ। हाँ। बदनावर तहसील के पास मेरा गांव है। अच्छा। बदनावर जा रही है। हाँ, हाँ। और कुलदीप भाई से भैंस खरीदी है मैंने। अच्छा, तो आपने कितनी भैंस खरीदी यहाँ से? मैंने अभी 4 भैंस खरीदी है। अच्छा, 4 भैंस खरीदी। मेरे साथ वालों ने भी खरीदी है, ऐसे करके हमने पूरी 9 की पूरी गाड़ी बनाई। अच्छा, 9 की पूरी गाड़ी है। तो आपने क्या चीज देख के खरीदी है, पहले है आपके फार्म पे जाफराबादी या पहली बार लेके जा रहे हो? जी, पहले ले गए थे इन भैया से। हाँ, हाँ। और अच्छा सक्सेस हुआ तब। हाँ, जाके ये भैया साथ में रहे और इसमें सब क्वालिटी देखी हमने, चमड़ी पगड़ी। हाँ, हाँ। इसका थन। अच्छा। और लील कवेन वगैरह सारा देखा। सारी चीज देख के लेके जा रहे हो, तो प्राइस में कैसे क्या खरीदी आपने, एक एक आप प्राइस बता सकते हो? हाँ, बिल्कुल बता दीजिए। जो आप प्राइस में जितने प्राइस में खरीदी है वही बतानी है आपको, ताकि कोई भी किसान भाई खरीदना चाहता है तो आपको देख के वो भी देख सकता है कि कितने रुपए में यहाँ पे मिलती है, मिल्किंग कैपेसिटी कितनी क्या रहती है। आपका केवल फार्म पे ले जा रहे हो या सेल भी करते हो? नहीं, नहीं, हमारा फार्म है, डेयरी फार्म। अच्छा, डेयरी फार्म के लिए लेके जा रहे हैं। एक आम किसान ही है तो इनका इंटरव्यू लेते हैं। ये कौन से ब्याह की है? ये दूसरे ब्याह की। अच्छा, दूसरे ब्याह की है। अभी ब्याह हुई है या प्रेग्नेंट है? ये प्रेग्नेंट। अच्छा, प्रेग्नेंट है। कितने दिन और लेगी? 7-8 दिन की कच्ची है। अच्छा, 7-8 दिन की कच्ची है। क्वालिटी आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी है जाफराबादी के अंदर। ये मिल्किंग कितना करेगी आराम से पूरे दिन? ये कर देगी 10 लीटर। अच्छा, एक टाइम का पूरे दिन का 20 लीटर? पूरे टाइम का 20 लीटर। अच्छा, तो आपने मतलब इन्होंने गारंटी ली होगी? हाँ, गारंटी ली, पूरी गारंटी ली इन्होंने, थन की गारंटी ली, गर्मी की गारंटी ली, दूध की गारंटी, मतलब पूरा एक टू जेड गारंटी, सारी गारंटी लेके खरीद के लेके जा रहे हैं। और भैंस भी बहुत अच्छी है। कितने प्राइस में खरीदी है ये? मैंने खरीदी 1,20,000 रूपए। अच्छा, 1,20,000 रूपए में खरीदी है, पूरे दिन का 20 लीटर दूध देने वाली है। बहुत ही अच्छी भैंस खरीदी है, नॉर्मल प्राइस में खरीदी है। तो अब जानते हैं दूसरे नंबर की भैंस के बारे में। तो दोस्तों, ये दूसरे नंबर की भैंस है जो भैया ने खरीदी है, तो इसके बारे में बता दीजिए, ये कौन से ब्याह की खरीदी? ये तीसरे ब्याह की भैंस है। अच्छा, तीसरे ब्याह। हाँ, और कल ही इसने बच्चा दिया है। अच्छा, कल ही दिया है। हाँ। कितना दूध दे रही है? अभी तो चीक पे है ये। हाँ, 5 लीटर चीक निकाला है इसका। अच्छा, हाँ, हाँ। और 10 लीटर दूध दे देगी भैंस ये। अच्छा, पूरे दिन का 20 लीटर दूध दे देगी। दिन का 20 लीटर दे देगी। तो प्राइस में कितनी, क्या प्राइस में खरीदी? ये मैंने खरीदी है 1,10,000 रूपए। 1,10,000 रूपए वो भी क्या है कि ये इसलिए मिल गई कि थोड़ी सी दुबली थी और भैया ने नस्ल पहचान के दिलवा दी। अच्छा, क्योंकि नस्ल अच्छी है, दूध में भी अच्छी है, पूरे दिन का 20 लीटर दूध देने वाली है, केवल दुबली है इसलिए इनके लिए प्राइस भी कम लगी है और भैंस भी अच्छी इनको मिल गई है। तो इसको आप वहाँ ले जाके अच्छी बना दोगे? हाँ, इसको हम वहाँ पे इसकी खुराक वगैरह खिलाई कर देंगे। अच्छा। हाँ, हाँ। तो हो जाएगी इसकी डाइट अच्छी बना देंगे। तो दोस्तों, ये प्राइस में भी बहुत अच्छी पड़ी है। और अब इसका अंडर की क्वालिटी आपको दिखाते हैं। बन कितने चुप्पे वाले है? हाँ, एकदम थन भी अच्छे हैं और अंडर आप पीछे से देख सकते हो। ये देख लो, थन एकदम शांत स्वभाव की है, पीछे से आप थन देख सकते हो। पूरे दिन का 20 लीटर दूध देने वाली भैंस है, इसका अंडर है। अभी चीक पूरा निकल गया है, थन इसके बहुत अच्छे हैं, इसमें मशीन भी लगा लेंगे हम। हाँ, क्योंकि ये क्यों छोटे थन वाली है तो मशीन आराम से लग जाएगी, बहुत अच्छी है भैंस। अब जानते हैं तीसरे नंबर की भैंस के बारे में। तो दोस्तों, ये तीसरे नंबर की भैंस है, इसके बारे में जानते हैं, ये कौन से ब्याह की है?
ये दूसरे ब्यात की। अच्छा दूसरे की, कितना दूध दे रही है अभी? ये अभी दो दिन की जनी हुई है। अच्छा दो दिन की जनी हुई है ना। 7 लीटर दूध निकाला था हमने, चेक करा था। अच्छा 7 लीटर दूध आपने निकाला, 14 लीटर पूरे दिन का दूध देगी? ये बढ़ेगा, बढ़ेगा ना इसका, अभी तो दो दिन की है, अभी ठीक पे ही है, लेकिन 7 लीटर हमने कल इसका निकाला था। अच्छा बहुत अच्छा है, तो कितने प्राइस में खरीदी है ये? मैंने 1,25,000 रूपए में। अच्छा 1,25,000 में, बहुत अच्छा है। दूध की कैपेसिटी भी अच्छी है और प्राइस में भी अच्छी मिली भैया को सभी भैंस। अब जानेंगे लास्ट भैंस बची है चौथे नंबर की, उसके बारे में। हाँ ये मेरे बड़े भैया ने खरीदी है। अच्छा ये बड़े भैया ने खरीदी है ना, तो ये कौन से ब्यात की है भैया? ये तीसरे ब्यात की है। अच्छा तीसरे ब्यात की है, दूध कितना दे रही है? दूध 10 लीटर। अच्छा 10 लीटर दे रही है पूरे दिन का? 20 लीटर पूरे दिन का, 20 लीटर। अच्छा ये कितने प्राइस में खरीदी है आपने? ये 1,00,000 में। अच्छा 1,00,000 में खरीदी है ना, बहुत अच्छी भैंस आप देख रहे हो, 1,00,000 में भैंस खरीदी है भैया ने। ये चारों भैंस भैया ने खरीदी है, सभी की डिटेल आपको बता दी है, तो आप संतुष्ट हो यहाँ से भैंस खरीद के? संतुष्ट। अच्छा सभी भैंस आपने कितने दिन में खरीदी है? ये अभी एक ही दिन, दो दिन में खरीदी। अच्छा दो दिन में खरीदी है ना, सभी कुलदीप भैया से ही खरीदी है? सब कुलदीप भैया से। तो दोस्तों ये कुलदीप भैया के फार्म पे दूसरे कस्टमर आए हैं, तो आज ही इनके फार्म पे 2-4 कस्टमर आए हैं, तो सब कोई 4 लिए, कोई ने 3 लिए, किसी ने 2 लिए, किसी ने 1 लिए। तो ये भैया ने कितनी ली है तो जानते हैं। नमस्कार भैया, आपका एड्रेस बता दीजिए। मेरा बदनौर तहसील है, गांव जरीपाड़ा से है। अच्छा। एमपी में। तो आपने कितनी भैंस खरीदी है यहाँ से? मैंने एक भैंस खरीदी। अच्छा एक भैंस खरीदी है, यही खरीदी है? यही खरीदी। तो कौन से ब्यात के खरीदी? ये दूसरे ब्यात में। अच्छा दूसरे ब्यात में, क्या चीज देके खरीदी आपने ये भैंस? मुझे जो क्वालिटी चाहिए थी। हाँ हाँ। वो ही क्वालिटी मैंने देख के खरीदी। अच्छा वो देख के आपने खरीद ली? बहुत अच्छी दिलवाई है मेरे को। प्योर जाफरा है। हाँ, प्योर प्योर जाफरा है। आप देख सकते हो, नसल बसल देख सकते हो, पीछे का आडर बडर भी देख सकते हो। ऐसा माल आगे घुमाओ तो भैया, एक बार घुमा के दिखा दो आप। बहुत अच्छी है बॉडी का स्ट्रक्चर, आडर की क्वालिटी आप देख सकते हो। ये कितना लीटर दूध देने वाली खरीदी? ये 18 लीटर दे देगी दिन। अच्छा 18 लीटर है ना, आप देख सकते हो आर्डर की क्वालिटी इसकी एकदम, थन भी एकदम कंप्लीट सही है, कोई दिक्कत नहीं है। पुट्टा आप देख सकते हो, छोटे पुट्टे वाली है, बहुत अच्छी सन स्वभाव वाली पैसे है। तो भैया ये कितने प्राइस में खरीदी आपने? ये मैंने खरीदी 1,21,000 में। अच्छा 1,21,000 रूपए में भैया ने ये भैंस खरीदी है, तो आप संतुष्ट हो ये भैंस खरीद के? मैं इसको लेके पूरा संतुष्ट। अच्छा पूरा संतुष्ट, बहुत अच्छे भाव में मिल गई है मुझे, बहुत अच्छी बात है। दूसरी जगह होते तो इसका क्या दाम होता? यही कुछ 1,35 के लगभग तो होता। 1,35 के लगभग है ना, इससे ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि कुलदीप भैया जो किसान आता है उनको अच्छी भैंस दिलवाते हैं और नॉर्मल प्राइस में दिलवाते हैं, ताकि किसान भी यहाँ से जो लेके जाता है पूरा संतुष्ट होके लेके जाता है। अब जानते हैं तीसरे नंबर के कस्टमर के बारे में, वो भी यहाँ से खरीदी है उन्होंने भी। तो ये भैया है तीसरे नंबर के, इन्होंने खरीदी यहाँ से। भैया आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम संजय सिरवी है। हाँ, हाँ। से हूं, प्राप्त अंत में। अच्छा तो आपने यहाँ से कितनी भैंस खरीदी है? मैंने 2 खरीदी। अच्छा 2 भैंस खरीदी है, दोनों आराम से संतुष्ट होके खरीदी है? बिल्कुल संतुष्ट। क्या क्या चीज देखी है भैंस में आपने? मैंने नस्ल देखी है, दूध देखा है। अच्छा तो कितने लीटर दूध देने वाली ये भैंस? ये 20 लीटर दूध देने वाली। अच्छा 20 लीटर दूध देने वाली, कौन से लैक्टेशन में? ये सेकंड लैक्टेशन। अच्छा सेकंड लैक्टेशन में, तो आप डेयरी के लिए लेके जा रहे हो अपने फार्म पे? फार्म पे लेके दूध के लिए है ना, बहुत अच्छी बात है। ये कितने प्राइस में खरीदी है? ये मैंने 1,20,000। अच्छा 1,20,000 रुपए में ये भैंस खरीदी है, पूरे दिन का 20 लीटर दूध देने वाली है, बहुत अच्छी है। आप संतुष्ट हो इस भैंस को खरीद के? तो दोस्तों ये दूसरे नंबर की है जो भैया ने खरीदी है, तो भैया ये कौन से ब्याज की है? ये सेकंड ब्याज की। अच्छा सेकंड ब्याज की है, दूध कितना दे रही है? दूध अभी 7 किलो दूध है। अच्छा 7 किलो ताजी जनी हुई है, 2 दिन की। हाँ, निकाल रही है। अच्छा तो पूरा दूध और भी बढ़ेगा या? और भी बढ़ेगा। अच्छा कितने? 9 से 10 लीटर तक जाएगी। अच्छा 9 से 10 लीटर तक जाएगी, तो ये बहुत अच्छी भैंस है, देख लो 9-10 लीटर तक दूध में जाएगी। कितने प्राइस में खरीदी है ये? इसको 1,00,000 में खरीदी। अच्छा 1,00,000 में खरीदी है ना, बहुत अच्छी है, नॉर्मल प्राइस में खरीदी है। दोनों भैंसों से आप संतुष्ट हो? बिल्कुल संतुष्ट हूं। तो आप इसकी एडर की क्वालिटी देख सकते हो, ये भैया बता रहे जैसे कि 7 लीटर तो अभी दे रही है, 14 लीटर पूरे दिन का, और 18 लीटर तक ये दूध देने की कैपेसिटी रखेगी। आप देखो पीछे का आर्डर एकदम फिट आर्डर वाली है, थन में कोई दिक्कत नहीं है। दूध निकाल के लिए 3 टाइम। अच्छा 3-4 टाइम दूध निकाला आपने। हाँ। तो दोस्तों ये भैया है चौथे कस्टमर है कुलदीप भैया के फार्म पे आज आए है। तो नमस्कार भैया, आपका नाम बता दीजिए। दिनेश सिरवी। अच्छा हाँ, एमपी बदनौर से। तो भैया आपने कितनी भैंस खरीदी यहाँ से? मैंने 2 भैंस खरीदी। अच्छा 2 भैंस खरीदी है, तो ये कौन से ब्याज की है? ये फर्स्ट ब्याज की है। अच्छा फर्स्ट ब्याज की है, दूध कितना दे रही है अभी?
कैबिन है। अच्छा कैबिन है, कितने दिन लगेंगे दूध देने? इसको कम से कम लगेंगे 10 से 12 दिन। अच्छा 10-12 दिन लगेंगे बच्चा देने में, तो कितना क्या दूध दे देगी? ये दूध देगी कम से कम 19 से 20 लीटर। अच्छा 19 से 20 लीटर के करीब दूध देगी। ऐसा बोला है। रेट में खरीदी आपने? ये पूरा जूठा खरीदा है मैंने 251 में। अच्छा दोनों खरीदी है 2,51,000? कुलदीप भाई से खरीदी है, कुलदीप भाई के फार्म से खरीदी है। अच्छा इनके फार्म से ही खरीदी है 2,51,000 में दोनों भैंस? दोनों भैंस गैबिन है, दोनों गैबिन है ना, दोनों का दूध कुलदीप भाई ने बताया है। ये करेगी 18 लीटर दूध। हाँ? और एक करेगी 19 लीटर। अच्छा 19 लीटर और 18 लीटर। हाँ, गारंटी रहेगी? गारंटी, गारंटी पूरी गारंटी रहेगी। अच्छा है, तो दोस्तों देख, नस्ल वाली भैंस, नस्ल वाली भैंस जो लेना चाहिए वो चाहिए, जो इन्होंने इनको चाहिए थी वो भैंस यहाँ पे इनको मिल गई है। कुलदीप भैया से भैंसे खरीदी है, पूरे संतुष्ट है। बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने यहाँ से 2 भैंस खरीदी है और दूध वगैरह सारा दे के और गारंटी के साथ में खरीदी है। तो दोस्तों और जानते हैं सभी कस्टमर से डिटेल लेते हैं कि कैसे क्या यहाँ तक पहुँचे वो। तो दोस्तों ये सभी भैया यहाँ पे आए कुलदीप भैया के फार्म पे भैंसे खरीदने के लिए। तो भैया आपने कितनी भैंस ली सभी ने मिला के, मतलब सारी भैंसे? 9 भैंस की गाड़ी बनाई। अच्छा 9 भैंस की गाड़ी बनाई है। तो अच्छा जैसे कि आप MP से हो, यहाँ पे आए हो, तो कैसे क्या आए हो, मतलब कैसे पता चला कि यहाँ पे अच्छी भैंस मिलती है कुलदीप भैया के पास में? एड्रेस कैसे मिला आपको? ये आपका वीडियो देखा था, आपके नाम से सर्च करा हमने, कुलदीप भैया के नंबर लिए हमने। अच्छा। उस नंबर पे हमने कॉल करा, कुलदीप भैया ने, पहले भी एक बार मैं आ चुका हूँ यहाँ पे आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से। अच्छा। तो उसके माध्यम से आने के बाद में आप मिल गए कुलदीप भैया, इन्होंने घूम के हमको दिलवा दी। अच्छा तो जैसे कि आपने यहाँ से भैंस खरीदी है, तो इन्होंने जो वीडियो में प्राइस बता रखी थी आपको, वो प्राइस ही बताई यहाँ पे आपको? इस प्राइस में डिफरेंट नहीं, 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 जेन्युइन प्राइस वही वही। अच्छा, वही प्राइस बताइए ना। तो यहाँ से आप सभी पैसे खरीद के संतुष्ट हो? बिल्कुल संतुष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी भैया संतुष्ट है यहाँ से पैसे खरीद। यहाँ आए, इन्होंने हमको रिसीव कर लिया, खाने पीने की व्यवस्था हमारी यहीं पे, सोने की व्यवस्था यहीं पे, सारी व्यवस्था इन्होंने की, कोई दिक्कत नहीं आई, कोई कोई दिक्कत नहीं आई पूरा। तो सभी भैंस आपने इन्हीं से खरीदी या मतलब आपको यहाँ इनके फार्म पे पसंद नहीं है तो कहीं बाहर से किसान से? 7 तो यहाँ पे हो गई थी हमारी। हाँ हा। और 2 भैंस हमको पास से दिलवा दी इन्होंने घूम। अच्छा, के 2 भैंस पास से दिलवाई है ना। बाकी सभी भैंस खरीद के आप यहाँ से संतुष्ट हो, बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों किसी भी भाई को आप भी इस प्रकार यहाँ से भैंसे खरीद सकते हो, तो कुलदीप भैया के नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं, तो आप इनसे ज्यादा से ज्यादा कांटेक्ट करें और नॉर्मल प्राइस में आप यहां से भैंस खरीद के लेके जाएं। पूरी गारंटी जिम्मेदारी के साथ में यहां पे सेल की जाती है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई दिक्कत आएगी तो आपकी भैंस आप जो खरीदोगे वो वापस से रिटर्न कर सकते हो। पूरी मेरी गारंटी, मेरी जिम्मेदारी, भैया में कुछ भी फॉल्ट निकले तो मैं वापिस रख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों काका? धंधा करना है ईमानदारी से करना है, सही है। और हम भी वीडियो बनाते हैं तो देख लो पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। आप हमें भी बोलोगे तो भी हम कुलदीप भैया को बोलेंगे कि भैंस में कोई दिक्कत आई तो वापस रिटर्न ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और वैसे तो यहाँ पे आप लोग आए तो 2-4 टाइम मिल्किंग करके? बिल्कुल बिल्कुल, भैया की 2 भैंस जनी हुई थी उसका 4 टाइम हमने मिल्किंग निकाला, 4 टाइम निकाला, जो इन्होंने बताया वही निकला। बिल्कुल बिल्कुल वही निकला, वही निकला है ना, बहुत अच्छी बात है। और मेरा MP वालों से निवेदन है, भैया के पास ही आइए, आप किसी दलालों के चक्कर में मत पड़िए, 20,000 रूपए लूट रहे हैं लोग यहाँ पे। सही है, सही बात है, बोलने में क्या दिक्कत है? सही है, सही बोलने में उचित लगा। ये भी बहुत सारी जगह घूम के आए तभी तो ये बोल रहे, बाकी क्योंकि पिछली बार हम आए थे एक जगह पे, वहाँ हो गया हमारे साथ। अच्छा हो गया था ना, वो धोखाधड़ी हुई। और आपको देखना है हमारी भैंसे तो बदनावर तहसील के रहने वाले हैं हम, बदनावर प्रॉपर में आपको मिल जाएगी, और बदनावर के पास में मेरा गाँव है झरीपाड़ा। वो सारे भाई MP के भी कमेंट करते हैं कि जाफराबादी भैंस खरीदनी है, तो आप जैसे कि MP में भी भैया का एड्रेस है तो एक बार देख सकते हो इनके फार्म पे जाके कि यहाँ इनके फार्म पे कैसे क्या सूटेबल है, तो देख के बाद में आप यहाँ से खरीद सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।